हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 13 देखेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, 11, 12, 13, ये सब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखेंगे इनको कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दिया, इफ वाई इक्वल टू हम लोग को दिया या 3 cos log x, फिर आगे क्या दिया +4 sin log x दिया गया। सो दैट हम लोग क्या शो करने कह रहा है, x²y2 + x y1 + y = 0। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वाई टू और वाई वन क्या है। वाई वन मैं आपको बता चुका हूँ, वाई वन हम लोग का एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको हम लोग वाई वन कहेंगे। जो हम लोग डबल दो बार डिफरेंशिएट करते हैं ना, डबल डिफरेंशिएट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी को हम लोग क्या कहते हैं वाई टू। जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई वन, दूसरी बार वाई टू, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई वन कहेंगे और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर उसको क्या कहेंगे हम लोग, वाई टू कहेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वाई इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 cos log x + 4 sin log x। अब चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, अभी डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इसको, वाई वन लिखेंगे। क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट यहां पे 3। अब कोस का क्या होगा, -sin log x हो जाएगा। अब log x का 1/x, तब तो मल्टीप्लाई में ही है ना। यहां पे क्या होगा, +4 cos, यहां पे 4 cos log x, और यहां पे क्या हो जाएगा log x का 1/x। अब देखिए दोनों में x है ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है। एलसीएम लेके इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, xy1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या बचेगा, -3 sin log x + 4 cos log x, यही होगा क्या। दोनों का एलसीएम लिए क्या, देखिए दोनों में x था, एलसीएम ले लिए अपॉन मैक्स आ जाएगा, ठीक है। ऊपर यही लिखा जाएगा, एक्स डिवाइड में रहता इक्वल टू उधर जाता तो मल्टीप्लाई में हो जाता। या तो आप यहां से क्या करते, 1/x कॉमन ले लेते यहाँ पे, ठीक है, 1/x कॉमन ले लेते यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, एक्स डिवाइड में है ना, इक्वल टू उधर जाता तो मल्टीप्लाई में हो जाता। अब क्या करेंगे हम लोग, अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या होगा इसको करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट रूल में टूटेगा, एक्स को बाहर निकाले, वाई वन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा डिफरेंशिएट। डी वाई बाई डी एक्स रहता था उसका डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, वाई वन बाहर आएगा, एक्स का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 sin का क्या हो जाएगा, cos log x, फिर से log x का क्या हो जाएगा, 1/x। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस, 4 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे cos का -sin log x और log x का 1/x, अभी भी यहाँ पे देखिए 1/x है, 1/x है, कॉमन निकालिए बाहर, ठीक है, क्या करेंगे कॉमन लीजिए, यहाँ भेज दीजिए, डिवाइड में रहेगा x, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा x y2 + y1, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आगे देखिए, 3 cos log x + −4 sin log x हो गया हम लोग का। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x square y2 यहाँ पे प्लस
एक्स वाई वन इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, थ्री कोस एक्स, सॉरी थ्री कोस लोग एक्स प्लस हो जाएगा, माइनस तो कॉमन ले लिए, अब यहां पे क्या हो जाएगा हम लोग का, फोर साइन लोग एक्स। अब यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, थ्री कोस लोग एक्स, थ्री कोस लोग एक्स प्लस प्लस फोर साइन लोग एक्स, फोर साइन लोग एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई, क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि y के इक्वल है। अब यहां पे देखिए आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, इधर आ जाएगा तो प्लस y इक्वल टू जीरो, हम लोग का प्रूफ हो गया। माइनस y था इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस y, ये हम लोग क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे एक बार। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।